हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्दों और मेल्स की एक समस्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के बारे में। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण सेक्सुअल वीकनेस या एक सेक्स के लिए इच्छा की कमी हो जाती है, जिसे हम लो लिबिडो भी कहते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के क्या लक्षण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल हार्मोन लेवल कितना होना चाहिए, हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सही लेवल रहने से बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इन सभी चीजों को हम डिटेल में आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की कमी अगर हमारे जिस्म में हो जाए तो क्या होगा, यानी टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी होने पर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी मेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए तो उन्हें कम सेक्स ड्राइव यानी सेक्स के लिए इच्छा की कमी होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी पूरी तरीके से इरेक्टेशन नहीं मिलना, वहीं जिस्म के बालों का झड़ना, दाढ़ी के बालों का कम स्पीड से ग्रो करना यानी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग कम होते जाना, बॉडी में मसल्स का कम हो जाना यानी मरीज का दुबला पतला होना, हर समय मेल को बहुत ज़्यादा थका हुआ थकान महसूस होना, साथ ही साथ उसे उदासी और चिड़चिड़ापन होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके बाद समझते हैं कि आखिर हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन के नॉर्मल लेवल को समझने के लिए इसे ब्लड में चेक किया जाता है। ब्लड टेस्ट के जरिए हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल को पहचान सकते हैं। डॉक्टर्स की एक इसके बारे में वेरिएशन राय है, लेकिन आम तौर पर सहमत इस रीडिंग पर डॉक्टर्स हैं कि 3000 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच कहीं पर भी ये नॉर्मल रेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, यानी अगर आप 45 साल से ज़्यादा आयु के हैं और आपकी उम्र इससे ज़्यादा बढ़ गई है तो आपका ये लेवल 300 के आसपास भी आ सकता है। अगर ये 300 के नीचे आ जाए तो इसे कम माना जाता है। दोस्तों, इसके बाद समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाने से हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये मसल्स को बिल्डअप करने में, मसल्स को बढ़ाने में, उनकी वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी बिल्डर को निश्चित रूप से हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। हालांकि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होने से कई बार मरीज में या लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रामकता, चिड़चिड़ा व्यवहार, चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे आना, स्किन का ऑयली हो जाना, स्लीप एपनिया या नींद ना आने का कारण भी बन सकता है। टेस्टोस्टेरोन का एक परफेक्ट लेवल हमारे जिस्म की ताकत और मेल सेक्सुअल फंक्शन में बढ़ोतरी ला सकता है। नेचुरल तरीके से हम हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके के इंजेक्शंस या आर्टिफिशियल सब्सटेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि हम होम्योपैथिक के साथ टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए आपको एक खास और चुनिंदा होम्योपैथिक दवाई की किट इस्तेमाल करना है। इस किट से शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल स्वाभाविक रूप से बढ़ाव देने में मदद करता है, साथ ही जिस्म की ताकत बढ़ाता है, सहन शक्ति बढ़ाता है, मसल्स की वृद्धि में योगदान देता है और मरीज को बीमारियों से रिकवरी के समय को कम करता है। वहीं हमारे जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा फैट को बर्न आउट करने में भी ये लेवल मदद करता है। बात करते हैं इस किट के बारे में। दोस्तों, इस किट की पहली होम्योपैथिक दवा है अश्वगंधा मदर टिंचर, जिसे हम वेदेनिया सोमनिफेरिया मदर टिंचर भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन के लेवल में तकरीबन 20-25% की इंक्रीजमेंट दिखी जाती है। इस किट की दूसरी मेडिसिन है टेस्टिस सिकेटा 3X। ये मेडिसिन टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से बनी हुई होती है। यदि टेस्टिस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन को ठीक से सिक्रीट करने के लिए ये दवा मदद करती है। वहीं इस किट की तीसरी होम्योपैथिक दवा है दोस्तों कैलेडियम 30। कैलेडियम कम टेस्टोस्टेरोन के लिए सबसे उपयोगी दवाइयों में से एक है।
इसका इस्तेमाल सेक्सुअल वीकनेस के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों ये थी तीन होम्योपैथिक दवाइयों की किट जिसके लगातार इस्तेमाल से आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी बॉडी मास मसल्स इंडेक्स पा सकते हैं और साथ ही साथ अपना सेक्सुअल फंक्शन ठीक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए एक्सपर्ट्स की राय कभी भी ज़रूरी होती है, इसलिए इन दवाइयों के इस्तेमाल से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें या मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर लें। मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन टेस्टोस्टेरोन लेवल के बारे में। आपके ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। मैं ऐसे ही डिसीज रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।